praise the Lord. Toshifra Kiga. मसीह यीशु के पाक कदूस और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र गुजार हूँ कि हम इस साल के आखिरी लम्हात में से गुजर रहे हैं और ये उसका फजल है कि उसने ऐसा मुमकिन किया कि इस साल को हम मुकम्मल करें, पूरा करें, या हमारी ज़िंदगी में इतने दिन दिए, या हमें ये मौका दिया है कि हम और खुदावंद में जिएं और खुदावंद के लिए काम करें। इस जीने का मकसद सिर्फ काम काज या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना नहीं, बल्कि हमेशा हमें याद रखना चाहिए ये सांस इसलिए हैं कि हम खुदा की स्ताइश करें, उसकी राहों को जानें, उसकी राहों को पहचानें और उसकी राहों पर चलते रहें। बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम, खुदा की बातें, खुदा के आइन और दस्तूर की बातें हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कई चीज़ों में ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल उसके आइन दस्तूर उसके कानून से निकले हुए हैं। और खुदा का शुक्र हो कि आप या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, और फिर उनमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम मसीही हैं, और ये अच्छी बात है। लेकिन मसीही ज़िंदगी में खुदा के साथ चलना, कायदे और कानून खुदा के ज़ाबतों में रह कर चलना है। आप या मैं या वो लोग जो खुदावंद को मानते हैं, उनको खुदा के साथ चलने के लिए उसके कानून को, उसके ज़ाबतों को जानने की ज़रूरत है। और वो ये ना समझे कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, फजल के दौर का बंदा हूँ, फजल में ज़िंदगी बसर करता हूँ, लहाजा मुझ पर कोई किसी तरह का खुदा के कलाम का कानून या शरीयत मुझ पर लागू नहीं। आज चंद बातें जो हम करेंगे, हमेशा आप सब जानते हैं कि नए साल की इबादत में एक आयत जो है उसको हम अपने सामने रखते हैं। कितने लोगों को कैलेंडर मिला है, इस नए साल का कैलेंडर मिल गया चर्च की तरफ से, प्रेज लॉर्ड। कितने लोगों ने उस पर लिखी हुई आयत को पढ़ा है? अब कुछ कम हो गए हैं हाथ। और कोई ऐसा शख्स है जो इस आयत को उसने जबानी याद कर लिया है? जी, दो से तीन लोग, और ये बड़ा अच्छा, एक इस तरफ से एक उस तरफ से, और ये एक कोने से एक दूसरे कोने से। जी रूफन भाई, रब अल्फाज यूं फरमाता है, अपनी रवश पर गौर करो। जी कोने में एक हाथ नजर आया, खड़े होकर बुलंद आवाज से, रब अल्फाज यूं फरमाता है, अपनी रवश पर गौर करो,
यहाँ भी एक हाथ उठा था जी। अपनी रवश पर गौर करो। कौन फरमाता है? फरमाने वाला कौन है? रबुल फाज, खुदावंद खुदा, मेरा और आपका खालिक, मेरा और आपका मालिक। इस साल में मेरी ये लालचा है, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अपनी अपनी रविशों पर गौर करें। कई दफ़ा हम अपनी रविशों पर गौर नहीं करते और अपने आप को ईमानदार कहते हैं, हम अपने आप को रास्तबाज कहते हैं, हम अपने आप को निजात याफ्ता कहते हैं, हम अपने आप को रूह याफ्ता कहते हैं, लेकिन रवश हमारी वैसी की वैसी रहती है। रब अल्फाज यूं फरमाता है, अपनी रवश पर गौर करो। और जब हम इम्साल उसके 16वें बाब की दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं लेकिन खुदावन रूहों को जांचता है। ये इस आयत को गौर से फिर से सुनिए कि इंसान की नज़र में उसकी जितनी भी रविशें हैं वो सब पाक हैं और वो उनको यू ही करता है कि ये तो मुकद्दस हैं, ये तो रास्त हैं, ये तो दुरुस्त हैं, ये तो बेहतर हैं, ये तो कलाम के मुताबिक हैं। इन बातों से मेरे ईमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन बातों से मेरा ईमान जो है वो ख़त्म नहीं होता और वो समझता है कि ये सब कुछ बेहतर है और उसको इसी तरह से करता रहता है। यो ये उसकी नज़र में पाक हैं, दुरुस्त हैं, अच्छी हैं, लेकिन खुदा की नज़र में नहीं। फिर जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आप नोट करें और सुने, कोशिश करें सुनने की जी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जल्दी से हम आगे बढ़ें। और फिर आप जब तक हवाला ढूंढ रहे होते हैं और आपकी तवज्जो बढ़ जाती है। खुदा आपको बरकत दे। अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये पहला हवाला इम्साल की किताब 16वें बाब की दूसरी आयत थी कि इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं लेकिन खुदा रूहों को जांचता है। अब ज़बूर नंबर 119 उसकी 5वीं आयत, काश तेरे आइन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। ज़बूर नवीस इस बात को पेश करते हैं, इस बात को बयान करते हैं कि काश रिकॉर्डिंग हो रही है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया जी। क्या कह रहे थे हम? काश, ज़बूर नवीस कहते हैं काश कि तेरे आईन मानने के लिए, तेरे कानून मानने के लिए, तेरी शरीयत मानने के लिए, तेरे कलाम पर अमल पैरा होने के लिए क्या दुरुस्त हो जाए, मेरी रविशें दुरुस्त हो जाए, मेरी रवश जो है वो दुरुस्त हो जाए। रवश जिसके लिए बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, इसके मैनी है ढंग,
तौर तरीका, चाल, रफ्तार, ये रवश के मैनी है। मैं जो खुदा के साथ चल रहा हूं, जिस ढंग में चल रहा हूं, ढंग समझते हैं आप? ये कितने लोग समझते हैं? हाँ, इसको सलीश करने की जरूरत है। ढंग, तरीका, इसको कह ले, यू कह ले कि इसको तौर तरीका, ठीक है। अब ये और आसान हुआ है। काश मेरा तौर तरीका, मेरा खुदा के साथ चलने का ढंग वो दुरुस्त हो जाए और खुदा के कलाम के मुताबिक हो। ढंग की जब हम बात करते हैं तो हम ईमानदार मसीही लोग, खुदा पे भरोसा रखने वाले, जब शादी ब्याह होते हैं, गौर के साथ सुनिएगा और मेरी तो लालचा होगी इस पर अमल भी हो, और अगर आप अमल ना कर सके कम से कम सुनते लगो। जब हम शादी ब्याह के मौका पर होते हैं और खूब फिल्मी गाने लगाए जाते हैं, फिर अचानक किसी के ईमान का लेवल ऊपर आता है या उसे शर्म आती है कि इस रंग होना नहीं सी चाहिदा, साढ़े ब्याह च भी इंज ही हो रहा है, मैं तो खुदा का खादम हूँ, मैं आज उसमें जो खिदमत के रुतबे हैं उन पर बात नहीं करूँगा, शायद लोग ये समझे कि ये आज सानू ला के सुनाया जा रहा है। और अगर आप किसी खिदमत के उस ओहदे पर नहीं, और फिर भी अगर आप ईमानदार हैं तो आपको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है। शादी में हमारा रंग टंग ढंग जो है उसको, ऐसी रवश को हमें समझने की ज़रूरत है। क्या ये रास्त है? क्या ये दुरुस्त है? का ये क्या ये कलाम की मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है? मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं क्योंकि आगे बढ़ना चाहता हूँ, फिर तुहानू सारिआं नूं सब कुछ पता है, ठीक है। छोटा सा मैं ख्याल दे रहा हूँ कि शादी के मौका पर खूब फिल्मी गीत चल रहे होते हैं, फिल्मी गाने खूब बज रहे होते हैं, और अचानक पता लगा पादरी साहब भी आ गए ने। कभी आप हमेशा शादियों में होते हैं या आपके खानदान की तरफ से शादी होती है, ओए पादरी साहब भी आ गए ना, ख्याल करो। फिर क्या होता है? ये किसने हिम्मत की है? प्रेज़ लॉर्ड, इनके लिए तालियां बजा दे। फिर क्या होता है? एकदम से मसीही गीत जो हैं वो चलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर इतना प्रेशर बढ़ता है, वो तुसी की कन्वेंशन लाई हुई है, ये कोई सेमिनार है, और फिर गाने शुरू हो जाते हैं, और फिर गाने शुरू हो जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद ये पीरियड, ये वक्त जो है, आप सब जानते हैं कितने घंटे इसमें चलते हैं, और फिर थोड़ी सी ब्रेक आने, और सारे कहते और थोड़ी देर रुको, और थोड़ी देर रुको, पार साहब ने मौका दो, पार साहब ने मौका दो, और ले आते पार साहब खिच खिच ले आ रहे होंगे, और जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, और जी की जल्दी कर लीए,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗਾਣੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਰਵਸ਼, ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਰਵਸ਼ ਪਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੋ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਹੀ ਈਮਾਨ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ? ਤੋ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਅਲਫਾਜ ਯੂੰ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਵਸ਼ ਕੋ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲਨੇ ਕੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੋ, ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੋ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੋ, ਕਲਾਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲੋ। ਔਰ ਇਹ ਤੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੇ ਮੌਕਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਉਨਮੇਂ ਸੇ ਏਕ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਕੇ ਮੌਕਾ ਪਰ ਜਿਸਕੋ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਸਾਤ ਕਿਸਮ ਕਾ ਫਰੂਟ ਜਿਸਕਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸਭ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਹੈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਆਪ ਮੇਂ ਸੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਹਮ ਮੇਂ ਸੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਮੌਕਾ ਪਰ ਐਸਾ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਤਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਮ ਕੇ ਕੌਣ ਸੇ ਹਵਾਲੇ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਕੋ ਆਪਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਇਹਨੋਨੇ ਨਈ ਨਈ ਸੈਮੀਨਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੋ ਕਿਉਂ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ? ਔਰ ਵੋ ਅਗਰ ਹਮ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨੋ ਕੀ ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਆਮ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੇਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਕਾਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਛਿੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੇ ਹਮਾਰੀ ਰਵਸ਼ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਯੇ ਉਸ ਮੌਕਾ ਪਰ ਹਮ ਕਲਾਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋ ਜੋ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮ ਵੋ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਸੀ ਡਾਲਤੇ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਸੇਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਹਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਉਸਕੋ? ਡੋਡਨਾ, ਹਾਂ ਵੋ ਡੋਡਨੇ ਡਾਲਤੇ ਹੈ। ਵੋ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਕਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਵੋ ਜੋ ਬੁੱਸੀਆਂ ਲਵਾਨੇ ਆ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਲਾਮ ਸੇ ਉਸਕੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਇੱਕ ਸੂਟ ਉਸਕੋ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
वो सब कुछ बेमैनी है, बेमकसद है। ये ऐसी रविशें हैं, ये ऐसे तौर तरीके हैं, ऐसे दस्तूर हैं, ऐसी बातें हैं जो हमें गैर कौमों से मिली हैं और उनको हम करते रहते हैं। और फिर हम जो है 10वां करते हैं, फिर 40वां करते हैं और फिर बरसी मनाते हैं। ये सब कलाम के मुताबिक है? हाँ जी, नहीं तो फिर क्यों कर दे? हमें इस बात को समझने की जरूरत है। खुदा चाहता है कि हमारी रविशें दुरुस्त हो जाएं। खुदा के साथ चलना शुरू किया है, खुदा के साथ हमने बढ़ना शुरू किया है, खुदा में हमने कदम मारने शुरू किए हैं, तो वो दुरुस्त हों, वो ईमान में रहकर हों, वो कलाम में रहकर हों और वो इल्हाम के मुताबिक हों, इल्हामी किताब के मुताबिक जो खुदा ने आपको दी है। ढंग की बात कर रहे हैं, ये तो शादी ब्याह है और जनाजा है, मौत मिट्टी है जिन्होंने पंजाबी च कहने हैं। हमारी जो शुक्रगुजारियां होती हैं उनको भी हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे घरों में शुक्रगुजारी फिल्मी गानों से शुरू होती है, आपको पता है? बहुत सारी शुक्रगुजारियां हमारी जो हैं वो गैर कौमों की तरह हमें पता नहीं जा, मजहबी ने शुक्रगुजारी तो ये तो एक ख़ास हिस्सा है ईमान का। शादी ब्याह कहो जी नहीं जी, बंदा थोड़ा स्लिप हो ही जाता है। और शुक्रगुजारी पर भी एक शुक्रगुजारी की बाबत एक खादम बात कर रहा था, कहने लगा कि ऐसा है कि एक फोन मुझे आया, कहने लगे भाई जी तुसी जरूर आना है फलाने दिन, वो मुंडा दी शुक्रगुजारी है, वो जड़ी तुसी दुआ कीती सी खुदा ने रंग लियांदा और बड़ी शुक्रगुजारी है, बड़े साल बाद खुदा ने सानू बेटा दिता है, तुसी जरूर आना है। और शुक्रगुजारी ते कलाम भी तुसी सुनाना है, दुआ भी तुसी करनी है। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं तो जरूर पहुंचूंगा। और वो पहुंच गए, जो वक्त था मिसाल के तौर पर 6 बजे वो पहले पहुंच गए और टाइम हो गया मिसाल के तौर पर 6। भैन जी शुरू करिए, भाई जी शुरू करिए, कहते नहीं थोड़ा ठहर दो, लोगों को आ लें दो। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि जी अब शुरू करें, 7 बज गए। कहने लगे बस नानके आने वाले जी, थोड़ा जहा इंतज़ार करो। नानके आए, ढोल बजन रहे ने, खूब जो है ना भंगड़ा हो रहा है, डांस हो रहा है और वो आ गए। फिर उन्होंने कहा जी हूँ तो शुरू करिए, कहने नहीं नहीं हाल दाद के रह गए जी। हाँ दाद के भी आए और थोड़ी देर जो है ना वो, क्योंकि ढोल काफ़ी देर से बज रहा था, लोग नाच रहे थे, एक बंदा गया अंदर, उसने अपना कोट उतारा और ऐसे फेंका और बाहर भाग गया, फिर शुरू हो गया। और एक ने देखा है कोट ला के आ गया, हाँ मैनू तो गर्मी लगन रही थी, और वो भी अंदर भागा, उसने भी कोट उतारा ऐसे फेंका। और इस तरह से 3-4 लोगों ने इसी तरह से किया, अंदर गए और वो जो है ना कोई चादर ला के सोटा है, कोई कोट ला के सोटा है और खूब भंगड़ा और ढोल जो है बजता रहा। उपाध्याय साहब कहते हूँ शुरू करिए, हूँ तो 10 बज गए ने, कहने बस थोड़ा जा जे थोड़ा जा ठहर जो, तो थोड़ा टाइम लियो जे वेखियो जे, तुहानू पता है ना हुण वेखो टाइम है, लोगों ने दूर दूर जाना जे। उन्होंने कहा जी ठीक है बिठाओ, तो सही है इन्हों बिठाया। उन्होंने दुआ की और कहने लगे ओए ओ जा मुंडे नू तो लियाओ,
उसकी ब्लेसिंग की दुआ तो की जाए। कहते अच्छा गए वो लगभग लग गए अंदरों जाके मुंडा लभदे पे ने किसी नूं वो बच्चा ही नहीं मिल रहा। फिर क्या हुआ उन्होंने इस तरह से कुछ जो वो कोट फेंके हुए थे वो सारी चीज़ें उस चारपाई से उठानी शुरू की और बेटे को उठाया तो वो जो चीज़ें उसके ऊपर डाली गई थी उनसे वो दब कर मर चुका था। ढोल बजता रहा बच्चा मर गया। और फिर कह पादरी साहब करो दुआ थोड़ी दुआ ना मिले से यह हूँ जिंदा भी हो सकता है करो दुआ। पादरी साहब कहने तुम भगड़ा तो मुकम्मल कर लो। हमारे शुक्रगुजारी पर भी ऐसा हाल होता है। हमारा ढंग शुक्रगुजारी का भी ये है। काश हम शुक्रगुजारी को खुदा की स्ताइश और तारीफ में खुदा की हजूरी में गुजारें। क्योंकि शुक्रगुजारी के लिए जबूर नवीस कहते हैं जबूर 50 उसकी आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। ये तो उसकी स्ताइश और तमजीद का वक्त होता है और वो भी अबलीस की स्ताइश और तमजीद होती रहती है। हमें ऐसी रविशों से बाज आने की ज़रूरत है। और यहाँ तक कई एक शुक्रगुजारियाँ पास्टर ही नहीं होता वहाँ। कुछ तो ऐसी होती हैं पादरी लिए मौका ही कौन है ओए बस आ जाओ बस ठीक है दुआ करो वंड दो और उनको हम ऐसे ही बांट देते हैं। शुक्रगुजारी के लिए हमेशा अपने खादम को कॉल करें। पास्टर साहब आए वो दुआ करें फिर उस शुक्रगुजारी को लोगों में तकसीम करें। सैमुएल की किताब में बड़ा ज़बरदस्त ये लेसन है लिखा है कि जब तक खुदा का खादम सैमुएल नहीं आएगा किसी ने रोटी नहीं मिलेगी। पादरी लेट हो गया है खाना किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक वो ब्लेस ना करे शुक्रगुजारी मुकम्मल नहीं होती। और कई दफ़ा तो ये होता है शुक्रगुजारी नहीं नहीं ऐसी बस करा कराची वंडनी पार साहब आ जाओ जे दुआई करे हो जे चलो जी ठीक है जिस तरह तुम चंगा लगता है दुआ कर देता है पादरी और एकदम से आवाज़ आती है और जड़ी तुसी हमेशा कड़ी है ओए मामिया का हिस्सा पहला काट लो। हाँ जी कई घरों में ओए नहीं 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 वो दादकियां का हिस्सा पहला काट लो और दोनों का हिस्सा निकालने के बाद तकसीम शुरू हो जाती है और फिर वो बिरयानी जो बिरयानी बन जाती है तो फिर ओए तुहानू किसी को ख्याल ही नहीं आया पादरी का हिस्सा भी कड़ो। खुदा का हिस्सा पहले है। अगर हम इसी तरह से ही कर रहे हैं तो कम से कम अपनी रवश को तो दुरुस्त करें अपने तरीके दुरुस्त करें अपने ढंग जो हैं खुदा के साथ चलने के खुदा के हजूर उनको दुरुस्त बनाने की ज़रूरत है। अपनी रवशें दुरुस्त करो और इसके लिए एक लफ्ज़ जो है इसके रवश के मैनी जो हैं हमने तौर तरीका या ढंग जो है इस पर बात की है इसके लिए एक इसके मैनी हैं रफ्तार। रफ्तार के बाबत हम जब बात करते हैं तो इम्साल की किताब में एक ज़बरदस्त आयत हमें मिलती है रफ्तार के तल्लक से। खुदा के कलाम में लिखा है कि आदमी की रफ्तार जो है वो
खुदा के हाथ में है। आदमी की रफ्तार, यूं कहूंगा कि आदमी की सरफराजी, बरकत, बढ़ोती की रफ्तार खुदा के हाथ में है। और कई दफा हम सरफराज होने के लिए, बरकत पाने के लिए, अपनी किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं और हम सरफराज होने की कोशिश करते हैं। कई दफा हम किसी दूसरे शख्स को देख रहे होते हैं, ओए वो तो देख विख है किन्ने में अच्छे, वह बिल्कुल छेती ना ली विखो, इतनी बरकत पा गया, हम भी इसी तरह से करेंगे। ये हमें समझने की जरूरत है, ऐसा ना हो। एक तमसील है, एक कहावत है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कई दफ़ा ऐसा ही होता है कि हम दूसरे की देखा देखी उसकी मानद कुछ करना शुरू करते हैं। पादरियों की मानद, एक बड़ा ज़बरदस्त पादरी है जी, ये तो बड़ा सरफराज हुआ है, इन्हें छेती नहीं चर्च बना लिया, और ये जो है इसके पास गाड़ी भी आ गई, इसके पास ये भी आ गई, हम उसकी मानद खिदमत करने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। आदमी की सरफराजी की रफ्तार खुदा के हाथ में है, और जो कोई फरोतनी के साथ उसके साथ चलता रहता है, खुदा उसे वक्त पर सरबुलंद करता है। ये कलाम का दस्तूर है, ये कलाम का तरीका है। उसे सरफराजी तो मिलेगी, लेकिन उसे वक्त पर खुदा उसकी फरोतनी को देखकर, उसकी आजजी को देखकर उसे वक्त पर सरफराज करेगा। हम बढ़ना चाहते हैं और पहले बढ़ जाना चाहते हैं। हम एक आदम को देखते हैं, ओए बड़ी बरकत, ये ऐसे हाथ करता है, लोग गिर जाते हैं, स्लेन होते हैं, और वो भी उनकी तरह करने की कोशिश करता है। लोग नहीं गिरते, फिर धक्के मारने शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होएगा। अपनी रवश को दुरुस्त करने की जरूरत है। जो खुदा ने तुझे दिया है, जैसी बरकत तेरे पास है, जो तेरी जिंदगी में खुदा ने अपनी कुदरत को रखा है, उसी में रहकर तू खुदा के हजूर में आगे बढ़ने की कोशिश कर। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वो ये जल्दी जल्दी वाली बात जो है ये दुरुस्त नहीं है। आदमी की रफ्तार खुदा के हाथ में है। मैंने वाल क्लब पर निगाह मारी है, वो ज़्यादा बोलने की और इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज़रूर मैं आपका और लेना चाहूँगा। एक जो है रफ्तार और इसी रवश के मैनी चाल भी हैं, और यर्मिया इस बात को इस तरह से बयान करते हैं 17वें बाब की 10वीं आयत में कि चाल के मुताबिक कामों का आपको अजर मिलेगा। इंसान की जैसी चाल है, अगर चाल ही टेढ़ी है, हाँ खुदा के साथ चाल टेढ़ी दुरुस्त नहीं है, तो फिर क्या होगा? हाँ जी, खामोशी हो गए हो, हाँ फिर चाल जब टेढ़ी है तो इसके मैनी ये है कि हम खुदा के साथ नहीं है, खुदा के लोग नहीं है, हम आइन और दस्तूर में रहकर जिंदगी बसर करने वाले नहीं है। हमें जरूरत है अपनी चाल और अपने अमाल जो हैं उनको दुरुस्त करें, और ये हर शख्स के लिए जो मसीही ईमान पर चलने की कोशिश करता है, उसे ज़रूरी है कि वो अपनी चाल को भी और अपने अमालों को, अपने कामों को भी दुरुस्त करे और अपने आप को खुदा की हजूरी में दे दे। यूना नबी के सहीफे में जब हम आते हैं तो 3रे बाब में जब खुदा का बंदा यूना जो है
ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਪਕੋ ਸਭ ਕੋ ਯੇ ਕਹਾਣੀ ਆਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਕਰ ਉਸਨੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕੋ ਨੇ ਸੁਣਾ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਓਏ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਕਾਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮਨਾਦੀ ਯਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਉਸਕੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਸ ਆਇਤ ਕਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਰਵਸ਼ੋਂ ਸੇ ਫਿਰ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਜਾਏ, ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਜ਼ ਦਫ਼ਾ ਯੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਤੋਬਾ ਤੋ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲਨਾ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿਲਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇ ਜੋ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਫਕਤ ਤੋਬਾ ਯੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕੋ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਆਪਕੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਨਾ ਫਕਤ ਯੇ ਕਿ ਆਪ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੇ ਔਰ ਕਹੇ ਹਮਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਧੁਲ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੇ, ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੁਰੀ ਰਵਸੋਂ ਸੇ ਫਿਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਾਮੋਂ ਸੇ ਮੁੜਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲਨੇ ਕੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦਰੁਸਤ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਮ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਂ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੇ। ਹਮਾਰੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਯਾ ਕੋਈ ਗਮ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਹੋ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ, ਹਮੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਸਾਥ ਖੁਦਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰੀ ਰਵਸ਼ੇ, ਹਮਾਰੇ ਕਾਮ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲਨੇ ਕਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹਮਾਰਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਫਿਰ ਯੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਗੌਰ ਸੇ ਸੁਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਸੁਨੇ, ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਰਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰੀ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਨੱਚ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ, ਉਹ ਡਿਸਕੋ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ, ਵੋਹੀ ਆ ਕਰ ਚਰਚ ਮੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਪਾਦਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੱਚ ਲਵੇ ਰੱਜ ਕੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਚੁੱਲ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਯੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਾ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੀ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਜਬ ਖੁਦਾ ਪਕੜਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਂ ਜਬ ਉਸਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਪਰ ਠਹਿਰਤੀ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਮਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਖੁਦਾ ਕਾ ਬੰਦਾ ਉਸਕੇ ਮਸਾ ਮੇਂ ਨਾਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇ ਵੀ ਮਸਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮ ਚਰਚ ਮੇਂ ਨਾਚਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਨਾਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਔਰ ਢੰਗ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੁਛ ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਵੋ ਹੀ
ब्याह शादी वाला या वही फिल्मी स्टाइल वो नहीं होना चाहिए। अपनी रवशों को दुरुस्त करें। रबल फाज फरमाता है अपनी रवशों को दुरुस्त करो, अपनी रवशों पर गौर करो। ये ना समझो कि ये सब कुछ दुरुस्त है, और यही गलती है हमें समझने और जानने की जरूरत है। अपनी रवशों को दुरुस्त करने की जरूरत है। मलाकी की किताब में से इस बात को भी जरूर सुनिएगा, खुदा के कलाम में लिखा है तीसरे बाब में 7वीं आयत से, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मनारफ रहे और उनको नहीं माना, तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब अल्फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रजू हो, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में ठगा। दया की और हदिये में बस तुम सख्त मलाऊन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे कानून को नहीं मानते। आमदनी जो तुम्हें मिलती है, जो तुम्हें तनख्वाह मिलती है, जो तुम्हें खुदा मुहैया करता है, उसमें तुम्हारी रवश दुरुस्त नहीं, तौर तरीका दुरुस्त नहीं, सारा कुछ करते हो और खुदा के लिए कुछ भी नहीं निकलता। जरूरी तो ये था कि उसका हिस्सा उसे दिया जाए, और जो कोई उसका हिस्सा उसके दिए में से नहीं निकलता, ये रवश पाक है जी, हाँ जी, ये दुरुस्त है। तो खुदा चाहता है कि अपनी रवश को दुरुस्त करो, जो हिस्सा मेरा है वो दे दो। हम कई दफा ईमानदार तो कहलाते हैं, बपतिस्मा याफ्ता भी कहलाते हैं, बपतिस्मा भी लिया हुआ है, लेकिन हम दया की नहीं देते। और ये जो तरीका है खुदा का, उसकी आमदनी जो उसने हमें दी है, जो हमें रुपया पैसा दिया है, उसमें से जो हमने खुदा को लुटाना है हम नहीं लुटाते, तो लिखा है कि तुम सख्त मलाउन के मैनी है लानती। बस तुम सख्त लानती हुए क्यों? क्योंकि खुदा को ठगा। तुम्हारी रवश बाप दादा के अय्याम से ऐसी है। तुम्हारा तनख्वाह दे मामले च तरीका बाप दादा के अय्याम से है। और कई दफ़ा हम कहते हैं कि नहीं जी वो ऐसा कदी भी नहीं जी, साढ़े वे हम नहीं कदी देती, असी कानू देनी है। आप या कोई भी इस शख्स को समझे, कलाम में लिखा है कि बाप दादा के अय्याम से तुम्हारी रवश ऐसी ही रही है। तुम्हारा रुपये पैसे के मामले में तरीका यही रहा है, तुमने खुदा को खुदा का हिस्सा नहीं दिया। ऐसी रवश पर भी हमें गालब आने की ज़रूरत है। इस साल में जो खुदा का शुक्र है शुरू हो गया जी, आप सबको नया साल मुबारक हो जी, हाँ जी, हाला एक दूसरे न के हाल कलाम तो छोटा जहा हिस्सा रह गया फिर आप दूर निकल जाएंगे। इस साल के शुरू में खुदा के घर में हम सब बैठे हुए हैं और खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। आप यहां से अहद कर निकलें कि शादी ब्याह के मौका पर
हम अब्लीस को कोई मौका नहीं देंगे। रूफन दे बच्चे बड़े छोटे ने आला आ उन्हें आमीन उन भी कह लिया आ? आप क्यों डर रहे हैं? अपनी शादी, अपने बहन भाइयों की शादी, अपने बच्चों की शादी हम मसीही ईमान में रह कर करेंगे। हम ऐसी रवशें जो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लिखा है कि अपनी रवशों को दुरुस्त करो, गलत रवशों को अपनी जिंदगी में से निकालो, गलत कामों को, गलत तौर तरीके को, गलत किस्म के ढंग दस्तूर जो हैं उनको अपने खानदान से, अपने घर से, अपनी जिंदगी से दूर करो। शादी ब्याह के मौका पर, मौत मिट्टी के मौका पर, जनाजे के मौका पर हम अब्लीस को कभी मौका नहीं देंगे। हम खुदा की स्ताइश करने वाले लोग हैं। इस मौका पर एक बात अक्सर जो की जाती है मौत मिट्टी से, जो कोई भी किसी के घर में जाता है क्या कहता है? खुदा की मर्जी। एक और जुमला भाई छोटा जहा, बड़ा अफसोस होया है ना, ये होता है, बड़ा अफसोस हुआ है। और बाइबल कहती है मरने का दिन पैदा होने के दिन से, हाँ जी किन्ने लोगों ने अगली गल पता है, पैदा होने के दिन से हूँ कुछ लोगों ने सुन लिया, सारे ने दसना है, मरने का दिन पैदा होने के दिन से ऐसे गल का अफसोस है। हाँ जी इसी बात का अफसोस है कि ये बेहतर है। और खुदा के कलाम में पौलुस रसूल कहते हैं जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए ऐसे गल का अफसोस है कि नू नफा मिल गया। हाँ जी किस बात का अफसोस है? आप जब उस लाजर की बात को देखते हैं तो उस पर लिखा है कि यहूदी मरियम और मार्था को तसल्ली देने के लिए उसके पास बैठे हुए हैं, गए हैं। इस हवाले को आप ज़रूर ज़रूर पढ़िएगा। तो किस लिए वो जाते थे? तसल्ली देन, असी अफसोस करन जाने हैं। और गए सा अफसोस करन कर आए हैं। और एक दफ़ा एक शख्स है उसके घर में, वो नौजवान कभी भी किसी जनाजे पे नहीं गया था। घर वाले ने कहना वो जाइदा है, वो अच्छा होंदा है, तू नहीं मरना। एक जनाजा हो गया, उन्होंने बड़ी कोशिश से उसे भेजा, कहने लगे जा आज तू ही जनाजे ते जाना है। जनाजे ते चला गया, वहां पहुंचा, रोना धोना था, जनाजा लेकर गए, रोना धोना था, वापस आ गए, फिर रोना धोना था, और ये वहां से निकल आया। घर पहुंचा, घर वाले ने पूछा सुना भाई कैसा रहा? कहता कितने भेजे आज? एक बंदा हंस के नहीं मिलया, सारे ही रोन डे सन। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम किस माहौल में हैं और कहाँ हैं। उस बात को उसी तौर से लेने की जरूरत है। बेशक ये भी लिखा है खुशी करने वालों के साथ और रोने वाले के साथ, लेकिन ईमान में रहकर रवशों को दुरुस्त रखना है, अपने सर खुदाम की हजूरी में झुकाने हैं। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, बहुत सारी बातें हैं जो और भी करने वाली हैं। अपने सर खुदाम की हजूरी में झुकाएं और